सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और जो हम आज बैठे हैं वो भी उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी की देन है। जो हम आज यहाँ सब में बैठे हैं आप खूब जानते हैं, उनका हमारे ऊपर एहसान है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने रोहतक के बाद मेवात को अपना समझा था, वो भली बात ही जानते थे कि मेवात में जो देव रह रहे हैं वो मेरे पिताश्री ने ही इनको यहाँ पाकिस्तान जाने से रोका था। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितने काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ हमारे मेवात के लिए किए थे आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने हमारे मेवात के लिए नहीं किए। चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके आईटीज हो, चाहे आपके पॉलिटेक्निक हो, चाहे रोड हो, और सबसे बड़ा जो रोजगार दिया वो मेरा तो कांग्रेस पार्टी में मिला था। आप लोगों को पता कितने बच्चे सरकारी नौकरियों में लगे थे। आज आप देख रहे हो कि बीजेपी पार्टी जब से आई है खट्टर पार्टी, आप लोगों को क्या मिला है? मुर्गो कोई एक आदमी खड़ा होकर ये बता दे कि इन 4-5 साल में मेवात के लिए एक चीज मिले, कोई हाथ खड़ा करके बता दे। हाथ खड़ा करके मना कर दो या हाँ कर दो। आप लोगों को खूब पता है हमारी शरीयत के खिलाफ भी ये बीजेपी चल रही है। एक बताओ, हमारा देश का प्रधानमंत्री अपने घरवाले छोड़ दे तो कोई सजा नहीं, और भाई हमारी कुरान के खिलाफ है जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने, हमारे से कोई अनबनी हो जाए तो हमको 3 साल की सजा। इस देश में कहां ऐसा कानून बना है जो हमारे लिए ऐसा कानून बना हुआ है? आप चिंता मत करो, वक्त आने वाला है। जिस तरह से आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में आए हैं, इन्होंने लगातार 10 साल आपकी सेवा की है, ये कुछ नहीं मांगने आए आपसे। सिर्फ जो 18 तारीख को एक महारैली होने जा रही है उसका समर्थन मांगने आए। मैं ये कहता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये आपका अपना मेवात है, अपना ही समझना। जितने भी आप ड्यूटी हमारे नेताओं की लगा के जाओगे उससे भी आप डबल हमारी ड्यूटी लगा के सोचना, उतने ही हम ज्यादा आएंगे। आप हाथ खड़ा करके समर्थन करो कि जाओगे नहीं जाओगे, रुकोगे फटाफट इंशाल्लाह। तो आप लोगों को खूब पता है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शपथ लेंगे तो हमारे मेवात के काफी ऐसे काम है जो अधूरे किसी ने नहीं किए। आप लोगों को खूब पता है आज तक हमारी नहरों में यहाँ पानी नहीं आता, मेवात कैनाल जो बची हुई है। मैं ये आप लोगों को लिख के देता हूँ, चौधरी साहब भी सुन रहे हैं, इंशाल्लाह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो मेवात कैनाल का जब उठे देंगे जब हम अनाउंसमेंट करा लेंगे। आप लोगों को खूब पता है नौजवान साथियों को, आज तक हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम कोई नहीं है, बच्चे जो खेल पाए, जो प्रदेश उसके बाद देश लेवल इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम रोशन कर सके, ये भी अच्छी नौकरियों में लग सके, आज तक हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। ये भी वादा है चौधरी साहब मुख्यमंत्री बने तो स्टेडियम भी पहली बार में इसका अनाउंसमेंट कराएंगे।